ना कॉर्नफ्लोर, ना मैदा, ना अरारोट, परफेक्ट गाढ़ा हमारा सूप बनकर तैयार हो चुका है। सर्दियों में इस तरीके का सूप पीना टेस्टी होने के साथ साथ काफी हेल्दी भी होता है। हाय गाइस, मैं कल्पना महेश्वरी आपके चैनल महेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में सूप पीना सभी को पसंद होता है, चाहे वो टमाटर का हो, मटर का हो या दाल का हो। अगर वेजिटेबल सूप हो तो वास्तव में मजा ही आ जाता है, क्योंकि ये जो सूप होते हैं टेस्टी होने के साथ साथ काफी हेल्दी होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ जो सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो इतना ज्यादा हेल्दी है, ना मैं इसमें मैदा का यूज करूंगी ना कॉर्नफ्लोर का यूज करूंगी। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए, उससे फायदा ये होता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो चलिए बहुत झटपट से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें ना हम अरारोट डालेंगे ना कॉर्नफ्लोर डालेंगे, लेकिन सूप बहुत ही टेस्टी होगा और साथ ही काफी गाढ़ा भी होगा। तो चलिए पहले सूप बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी वो देख लेते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 2-3 कलियां लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टमाटर, साथ ही मैंने ले लिए हैं थोड़ी सी बीन्स, 1 शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और ये हरी मटर, और ये मैंने लिए हैं भीगे हुए बादाम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पत्ता गोभी है इसमें छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे एकदम बारीक काट लेंगे। इसी तरीके से शिमला मिर्च में से भी छोटा सा टुकड़ा निकालकर उसे एकदम बारीक काट लेंगे। सब चीजों को मैंने एकदम अच्छा बारीक बारीक काट लिया है। वेजिटेबल सूप आप कभी भी बनाएं, अगर सब्जी को आप बारीक काट लेते हैं तो सूप ज्यादा अच्छा बनता है। मैंने सूप बनाने के लिए बादाम का यूज किया है, आप चाहें तो इसमें काजू डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसमें पीनट यानी कि मूंगफली भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स का जो क्रंच होता है सूप में पीने में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है। और अब आ रही है सूप बनाने की, उसके लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना बटर, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं और आप चाहें तो कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। बटर को मेल्ट होने देते हैं। इस सूप में ना तो हम अरारोट डालने वाले हैं और ना ही हम डालेंगे उसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर। जैसे ही बटर हल्का सा मेल्ट हुआ उसके अंदर हम डाल देंगे ये एकदम बारीक कटा हुआ गार्लिक। अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं है या आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। हल्का सा भून लेते हैं और जैसे ही बिल्कुल हल्का सा भुना उसके अंदर हम डाल देंगे ये कटा हुआ अदरक। 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे, बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें ये कटा हुआ प्याज, आधा मीडियम साइज का प्याज है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 बाउल सूप बना रही हूँ। आप जितना भी सूप बना रहे हैं उसी हिसाब से आप क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। प्याज भी हल्का सा भून चुका है और अब बारी है इसमें गाजर डालने की, साथ ही डाल देंगे बीन्स, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हमें सब्जी को पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा इन्हें हम सौते करेंगे और फटाफट हो जाएं। इसके लिए अभी हम इसमें नमक डाल देते हैं, 2 मिनट के लिए पैन को कवर कर देते हैं, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, अगर हाई किया तो सब्जियां जल जाएंगी। इस वेजिटेबल सूप को हम टेस्टी होने के साथ साथ काफी हेल्दी बनाएंगे। और इसको गाढ़ा करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ व्हाइट ओट्स। सिर्फ 2 टेबल स्पून ओट्स डाल देने से हमारा सूप इंस्टेंट गाढ़ा हो जाएगा। सब्जी को पकते में भी अब करीब 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां बिल्कुल हल्की सी कुक हो चुकी हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, हरी मटर के दाने जिसे हल्का सा उबाल लिया है। इस वेजिटेबल सूप में आप वेजेस जो भी पसंद करते हो और कच्ची खा सकते हो डाल सकते हैं। और हम इसमें डाल देंगे ये ओट्स, और अब आ रही है सूप में पानी डालने की। हम इसमें करीब 2 कप पानी डाल देंगे क्योंकि हम 2 बाउल सूप बना रहे हैं।
ओट्स को पकने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है, इसलिए हम इसे 3 से 4 मिनट तक ढककर पका लेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। सूप को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे भीगे हुए और कटे हुए बादाम। इन बादामों से सूप का तो टेस्ट बढ़ेगा ही, साथ ही वो और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। 8-10 कुटी हुई फ्रेश काली मिर्चें, एक बार मिक्स किया और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सा सूप बनकर तैयार है, जिसमें ना तो हमने मैदा डाली है, ना अरारोट डाला है, ना कॉर्नफ्लोर डाला है, और लेकिन आप देख सकते हैं कि सूप परफेक्ट गाढ़ा है। सर्दियों में इस तरीके का सूप बनाइए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर दें। कमेंट बॉक्स आपके कमेंट का इंतजार कर रहा है। कुछ नए तरीके से बहुत ही टेस्टी हमारा सूप बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें, और नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आप ही के लिए है, उसमें अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक यू।